हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, सबके सामने शहनाज गिल ने रश्मि देसाई को कह डाला बेवकूफ औरत। शुक्ला जी के चलते लाल पीली हो गई पंजाब की कटरीना। वेल दोस्तों, क्या है ये पूरी चटपटी गॉसिप आपको बता देते हैं। वेल दोस्तों, सलमान खान की टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 में इन दिनों घर वालों ने सिद्धार्थ शुक्ला की कैप्टेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लग्जरी बजट टास्क के चलते घर वालों के बीच खींचातनी चल ही रही है। असीम रियाज की टीम ने मिलकर सिद्धार्थ शुक्ला की कैप्टेंसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अब हाल ही में मेकर्स ने एक और नया प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें कैसे घर में एक बार फिर से चाय को लेकर घर वाले भिड़ गए हैं। अरहान खान के घर में लौटने के बाद से बिंदास हो चुकी रश्मि देसाई एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भिड़ते हुए नजर आई। लेकिन सिद्धार्थ से भिड़ते भिड़ते रश्मि देसाई का पाला शहनाज गिल से भी पड़ गया। शहनाज गिल उन्हें पूरे घर के सामने बुरी तरह से झाड़ने वाली है, बेवकूफ औरत बोलते हुए दिखाई देंगी। रिलीज हुए इस प्रोमो में घर वाले सिद्धार्थ शुक्ला की कैप्टेंसी का विरोध करते हुए बिग बॉस के अलार्म बजने के बावजूद भी बिस्तर पर ही सोते रहेंगे। इसके बाद कुकड़ू कु की आवाज भी आने लगेगी। लेकिन असीम रियाज की टीम, जिसमें हिमांशी खुराना, शेफाली जरीवाला और रश्मि देसाई हैं, उठने से मना कर देंगे। सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि को उठने के लिए कहेंगे, लेकिन वो नहीं उठेंगी। इसके बाद शहनाज विशाल आदित्य सिंह को सुनाने लगेंगी, जिस पर शहनाज गिल सिड का समर्थन करते हुए बोलेंगी। लेकिन इस पर जैसे ही बीच में रश्मि देसाई बोलती हैं, तो वैसे ही शहनाज उन्हें बेवकूफ औरत कह डालती हैं। इस प्रोमो को देखने के बाद लगता है कि घर में बवाल मचना तो तय है। एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई हमें भिड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शहनाज को रश्मि कैसे मजा चखाएंगी, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं इन एपिसोड्स को देखने के लिए, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।